अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, इसका आज क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करेंगे। फाइंड द कंडीशन डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स आर इजिक्वल टू 0 आर इक्वल। कह रहा है ये अगर इसके रूट्स जो गिवन इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो कह रहा है उसके लिए कंडीशन फाइंड करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है एम एक्स प्लस सी होल स्केयर माइनस 4 ए एक्स इजिकल टू 0। अब यहाँ पे इसका स्केयर खोलेंगे, ये ए प्लस बी होल स्केयर, इसका स्केयर खोलेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए और बी माइनस ये 4 ए एक्स एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये एम स्केयर एक्स स्केयर, इसका स्केयर ओपन करेंगे प्लस सी स्केयर प्लस ये 2 एम सी एक्स माइनस 4 ए एक्स इजिकल टू 0। अब यहाँ भी एक्स स्केयर वाली वैल्यू है एम स्क्र एक्स स्केयर और ये दो वैल्यूज जो है वो एक्स वाली थी, दोनों में से एक्स कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 एम सी ये वाला माइनस 4 ए और ये एक्स दोनों में से कॉमन निकल आया। अब ये प्लस सी स्क्र इजिकल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्र का कॉफिशेंट एम स्क्र है, ये ए की वैल्यू है, एक्स का कॉफिशेंट 2 एम सी माइनस 4 ए बी की वैल्यू और ये कॉन्स्टेंट एम सी की वैल्यू। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4 ए सी, वैल्यूज पुट करेंगे बी की वैल्यू 2 एम सी माइनस 4 ए इसका होल स्केयर माइनस नेक्स्ट 4 ए, ए की वैल्यू एम स्केयर है और सी की वैल्यू सी स्केयर है। इसका स्केयर खोलेंगे ये ए माइनस बी होल स्केयर है, इसका स्केयर खोलेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए की वैल्यू हमारे पास 2 एम सी है, बी की वैल्यू 4 ए है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी फार्मूला खोल दिया, ये माइनस 4 तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 4 एम स्केयर सी स्केयर। अब इसका स्केयर खोलेंगे, ये 2 का स्केयर 4 होता है और m का स्केयर सी स्केयर, 4 एम स्केयर सी स्केयर प्लस ये 4 का स्केयर 16 और a पे स्केयर आ जाएगा 16 ए स्केयर माइनस ये 2 टू ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16 ए एम सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ए एम सी आ गया माइनस ये 4 एम स्केयर सी स्केयर एज इट इज़। अब ये प्लस 4 एम स्केयर सी स्केयर माइनस 4 एम स्केयर सी स्केयर कट गया, यहाँ पे बचा 16 ए स्केयर माइनस 16 ए एम सी। अब इन दोनों में से 16 ए कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा ए माइनस एम सी। अब उसने गिवन किया हुआ था कि ये अगर इसके रूट्स इक्वेशन के इक्वल हैं तो हम लिखेंगे एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल सो उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा। तो अभी इसे यहाँ पे 16 ए ए माइनस एम सी इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे। यहाँ से अब देखें इसको 0 पुट किया 16 ए को, जैसे वो दो फैक्टर्स अलग अलग दो फैक्टर्स हैं दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये 16 ए इक्वल्स टू 0 और ए माइनस एम सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, 16 यहाँ मल्टीप्लाई और अलग डिवाइड हो जाएगा तो ए इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे ए की इधर माइनस एम सी इधर आगे प्लस एम सी तो ए की वैल्यू एम सी। अब ये हमारे पास कंडीशन है, या तो ए 0 के इक्वल होगा या ए एम सी के इक्वल होगा। दस रिक्वायर्ड कंडीशन इज़ ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू एम सी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन थी, उसने यही फाइंड करने का बोला। जी नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल। ये इक्वेशन दी हुई है, इनके रूट्स बताने हैं कि रेशनल हैं। तो रूट्स बताने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हमने, अब ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए बी माइनस सी हमारे पास ए की वैल्यू है, ये एक्स का कॉफिशेंट है ये बी की वैल्यू होगी और ये कॉन्स्टेंट टर्म है ये सी की वैल्यू होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, वैल्यूज पुट की बी की वैल्यू ये है बी सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू लिखी, नेक्स्ट हमने सी की वैल्यू लिखी। अब ये इसका स्क्वायर खोल देंगे, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको फार्मूला लगाएंगे इस पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। नेक्स्ट ये देखिए ये 4 ए और ये वाला सी, 4 ए सी ये तीनों वैल्यूज जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये 4 ए सी को हमने अलग लिख लिया और ये बी माइनस सी और ए माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इस बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी को बी स्केयर को सी स्केयर से करेंगे, बी स्केयर सी स्केयर ए स्केयर से करेंगे तो बी स्केयर ए स्केयर माइनस यहाँ पे करेंगे तो माइनस 2 ए बी स्केयर सी आएगा, ये माइनस 4 ए सी एज इट इज़। अब ये बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बी को ए से किया ए बी आ गया माइनस बी को बी से किया बी स्केयर माइनस सी को ए से किया माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस सी को बी से किया सी बी। अब ये बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस 2 ए बी स्केयर सी स्केयर बी स्केयर सी माइनस, अब इस 4 ए सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ए सी को ए बी से करेंगे, ये ए और ए मिलके ए स्केयर हो जाएगा और ये बी और सी आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस और ये 4 ए सी और साथ में बी का स्केयर। अब ये माइनस माइनस प्लस, अब ये देखिए ए और सी दोनों, ए भी दो दफ़ा है सी भी दो दफ़ा है, तो 4 ए स्केयर सी स्केयर आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 4 ए सी को जब सी बी से करेंगे तो 4 ए बी सी का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट इस टाइम में हमने थोड़ी सी इसकी रीअरेंज इसको रीअरेंज किया, ये ए स्केयर बी स्केयर को पहले लिख लिया, ये यहाँ भी बी स्केयर सी स्केयर को पहले लिख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे टर्म लिखी है वाली 2 ए बी स्केयर सी प्लस, फिर उसके बाद ये लिखी है 4 ए स्केयर सी स्केयर, बस थोड़ी सी टर्म्स जो है वो रीअरेंज की हैं, माइनस 4 उसके बाद हमने लिखी माइनस 4 ए
बी सी स्क्वेयर ये वाली लिखी, उसके बाद लिखी माइनस फोर ए स्क्वेयर बी सी। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, बेसिकली हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। ये हमने तीन वैल्यूज़ के स्क्वेयर वाला फार्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। यहाँ पे हम ये वाली चीज़ बनाना चाह रहे हैं। अब देखें यहाँ पे ये ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर को लिख सकते हैं बी सी का स्क्वेयर, और नेक्स्ट ये वाला टर्म है ना इसको इसका स्क्वेयर बनाया हमने यहाँ पे, वो मैंने उसको पहले लिख दिया था, इसको पहले लिखेंगे। ये फोर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर था, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। देखिए जब इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो प्लस वाली वैल्यू ही बनेगी और टू का स्क्वेयर फोर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर आ जाएगा, तो इसको हमने ये वाला बना दिया। अब ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बन गया। नेक्स्ट आगे बनाएंगे टू ए बी, अब टू खुद से लगाया ए की वैल्यू ये ए बी लगानी है और बी जो है वो बी की वैल्यू बी सी लगाई, अब प्लस टू बी सी, अब बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये। सिर्फ आपने ये चीज़ जो है वो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर जो है बनानी है, नेक्स्ट खुद ब खुद बनती जाएंगी। टू बी सी किया फिर टू ए, पहले टू ए बी किया फिर टू बी सी फिर टू सी ए, सी ए के लिए पहले सी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, ये जब इनको खोलेंगे ऊपर वाली वैल्यू खुद ब खुद बन जाएंगी। अब यहाँ पे हमने इसको बंद कर देंगे, अब हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो ए बी है, बी की बी सी है और सी की माइनस टू सी ए है। जब इसको बंद करेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बंद हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, सी की वैल्यू माइनस में थी इसलिए हमें माइनस का साइन आ रहा है, माइनस टू सी ए का होल स्क्वायर। अब ये हम देख सकते हैं कि पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन जीरो मतलब पॉजिटिव है। तो एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज ग्रेटर दैन जीरो सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनली, हमने चार पॉइंट्स जो पढ़े थे उनमें से एक पॉइंट है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो और पॉजिटिव हो तो उसके रूट्स जो है वो रेशनल होते हैं, यही उसने प्रूव करने का बोला था। Hence proved.